हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंट्राडे ट्रेड एनालिसिस। और यहाँ पर देखिए, जो मार्केट ओपन हुआ है डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। और मार्केट देखिए एक ही रेंज में रहा और साइड भेज रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो लेवल है हमारे को समझनी है आज कैसे। देखिए यहाँ पर मार्केट साइड भेज रहा, ठीक है। बस फर्स्ट हाफ में ट्रेंडिंग रहा और उसके बाद साइड भेज, ठीक है। बट अभी देखिए यहाँ पर है ना, मार्केट को इस रेंज के आसपास ओपन होने चाहिए 33,050 के आसपास, ठीक है। तो अभी हम बाइंग के लिए ट्रेड करेंगे और यहाँ पर ब्रेकआउट फेल होगा, ठीक है। अप ओपन होता है तो, अगर डाउन ओपन होता है, ठीक है, 33,700 के नीचे, तो यहाँ पर है ना मार्केट 500 के आसपास आ सकता है और वहाँ से बाउंस बैक टारगेट कंप्लीट हो सकता है हमारा, ठीक है। और एक बात देखिए, इस रेंज को अभी मार्केट को कंप्लीट करनी पड़ेगी 200 और हमारा होगा टारगेट 600, ठीक है। एक्सपायरी में ट्रेंडिंग हो सकता है या इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है 34,000 के आसपास, ठीक है। अगर डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो फिर डाउन के लिए ज़्यादा मार्केट की संभावना कैसे। तो देखिए यहाँ पर मार्केट जब तक 650 की रेंज नहीं निकलता तब तक हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अप की साइड मार्केट ने 33,915 को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है, 32,915 को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट रजिस्टेंस 33,050, ठीक है। और मार्केट ज़्यादा संभावना है कि मार्केट डाउन ओपन हो और ब्रेकआउट कंप्लीट करेगा 15 मिनट कैंडल के ऊपर और मार्केट ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद देखिए मार्केट में जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है 350 के आसपास, तो मार्केट में वेट करो। और हाँ, एक बात, यहाँ पर 90% चांस है मार्केट में कि मार्केट सी में हमारा डबल होगा पैसा, ठीक है। 90% यहाँ पर 90% मैं आपको बता रहा हूँ कि सी में पैसा डबल होगा, ठीक है। और 0-0 पर हमारे को 12:30 के बाद ही करना है ट्रेड, ठीक है, एक्सपायरी में। और जल्दबाजी ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। और एक बात, यहाँ पर मार्केट ओपन कैसे होता है यहाँ पर देखना है। देखिए अगर 400-500 मार्केट डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं रहूँगा, फिर सेकंड हाफ में ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, अब के लिए। ओके, अभी देखते हैं निफ्टी। अगर निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी के लिए जो है रेंज है ये, ठीक है, 15,650 की रेंज, इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, जब मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन होगा तब हम बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। और डाउन साइड के लिए जब 350 निकलेगा तब, ठीक है, 370 को अगर क्रॉस करता है तो सेल कर दीजिए निफ्टी में, ठीक है। और एक बार यहाँ पर है ना इस रेंज को निकाल दीजिए 520 रेंज को, या इसके बाद ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर 350 क्रॉस करता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है।